अभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और इतने समय बाद आए और डिजिटल बोर्ड से नहीं आ पा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, पक्का डिजिटल बोर्ड से आऊँगा। एक वैकेंसी के बारे में बताना है दोस्तों। वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, और इसके बारे में मैंने 2 साल से मैं पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। 2020 वाला बैच पढ़ाया हूँ, 2021 वाला बैच कराया हूँ, ठीक है। बच्चे आज उसमें काम भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक वैकेंसी आने एनबीई की वैकेंसी बेसिकली, ठीक है, ये एनबीई की वैकेंसी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस, ठीक है, उसकी वैकेंसी है। और वैकेंसी हमेशा ऐसे ही आती थी उसकी, अगर आप लास्ट 2 बार भी चेक कर लोगे तो जो वैकेंसीज थी उसकी भी नंबर इसमें आती थी। फॉर्म 21 तारीख को आने वाला था, सॉरी, ये 21 को एडवर्टीजमेंट आया था, 30 को फॉर्म आने वाला था, 20 लास्ट डेट होने वाली थी, 20 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली थी। अब आप बोलोगे सर आप ठीक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बेटा ये डेट चेंज हो चुकी है। एग्जैक्ट डेट ये है कि अब 10 अक्टूबर को, मतलब आज 7 अक्टूबर है, आज 7 अक्टूबर है, ठीक है, 2023, 10 अक्टूबर 2023 को इसका फॉर्म आएगा। 9 नवंबर, 9 नवंबर तक, दिवाली से 3 दिन पहले तक आपका इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एग्जाम कब होगा, प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, सल्तनते से, ठीक है। अब देखो आते हैं इस पे। सर वैकेंसी क्या क्या है, एक तो है डेप्यूटी डायरेक्टर की मेडिकल, जिसकी पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी 7, ठीक है, जो इसके लिए एलिजिबल हो वो देख सकता है अपना, भाई सब पीजी चाहिए किसमें, मेडिकल साइंसेज में, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफिसर, ठीक है, एज बिलो 35 साल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है, क्या LLB चाहिए रहेगी। फिर आते हैं जूनियर प्रोग्रामर, जिसकी वैकेंसी है 6, एज 27 के नीचे होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपकी वही बीटेक, बीसीए, डोएक से, ठीक है, बीसी लेवल अगर सब आपके पास हो तो आप भर सकते हो। अब आते हैं जो जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे एक एलिजिबल होते हैं, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, इसकी 3 पोस्ट है, एज 27 के नीचे चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ मैथ्स और स्टैट्स और कॉमर्स, या तो आप इससे हो, या तो इससे हो, या तो बीकॉम हो, ठीक है। तो आप जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 3 साल वाला एक्सपीरियंस ये डिजायरेबल है, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो। अब आते हैं सर स्टीनोग्राफर वाले पोस्ट पर, स्टीनोग्राफर की वैकेंसी है 7, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको 12th पास मांगा है। हाँ, एक चीज ये है कि इसमें आपको स्टीनो टाइपिंग चाहिए रहेगी, ठीक है। स्टीनो टाइपिंग आती है क्या, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, स्टीनो 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट, ये आपकी स्टीनो टाइपिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्टीनो टाइपिंग चाहिए रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसमें भी एक चीज क्या है, क्या कि ये अगर आपका एक्सपीरियंस वाला 2 साल का अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अब आते हैं सर क्या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, ठीक है, ये है आपका 24 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट में है 24 पोस्ट, इसमें भी एज 27 के नीचे ऑब्वियस वाली बात है, 12th पास वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल है, जो 12th पास है वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, इसमें 2 स्टेज होते हैं, चलो बाकी मैं सब चीजें बताता हूँ, है ना। ये आप देख लो यहाँ पे डिटेल्ड है, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट में 3 की 3 पोस्ट है, 3 की 3 जनरल की है, स्टीनो में 7 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें से 4 जनरल की है, 1 OBC की, 1 ST, 1 EWS की है, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट में क्या है, 13 UR की है, OBC की 5 है, SC की 1 है, ST की 3 है, EWS की 2 है। अच्छा, एक बात बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर मान लो मेरी पोस्ट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता मेरी कैटेगरी की, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, बट फिर आप उस समय अपने कैटेगरी का यूज नहीं कर सकते, आपको UR से फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आप भर सकते हो, फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर आप कैटेगरी में आते हो और आपकी वैकेंसी नहीं है तो आप एज ए UR कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरोगे, फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। एग्जाम आप देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, एग्जाम देने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सर इसके आगे, ये अपना रिलैक्सेशन वाला देख लेना, ये तो कॉमन ही चीज है,
जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि सर ग्रेजुएशन मांगा है स्टीनोग्राफर के 10+2 प्लस स्टीनो टाइपिंग और टाइपिंग, और जूनियर असिस्टेंट का भी 10+2। ठीक है सर, अब आते हैं स्टेज सेकंड। ये तो हो गया आपका स्टेज फर्स्ट। अच्छा हाँ, पहले स्टेज फर्स्ट को तो मैंने बताया नहीं, अब आते हैं स्टेज फर्स्ट पे। चार पेपर होते हैं, चार पेपर क्या, रीजनिंग के हो गए, जनरल अवेयरनेस के हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हो गए, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हो गए। 50 50 50 50 200 क्वेश्चन होते हैं भाई साहब, 200 क्वेश्चन होते हैं, और 3 घंटे का पेपर होता है। ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 200 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग क्या होती है, 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है और 0.25 की निगेटिव मार्किंग, तो इसका मतलब अगर आप 4 गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, और कोई वाली बात नहीं है। इसका मेंस भी होता है, मेंस में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता, सिंपल ही होता है। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है। अच्छा पहली बात, मेंस में कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे, साफ साफ बात है कि भाई साहब 5 कैंडिडेट अगेंस्ट एवरी वैकेंसी, ये हर साल का इन्होंने, वो इतने ही गुना बच्चे लेते हैं भाई, जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना बच्चे वो बुलाते हैं, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं सर, स्टेज वन जिसको क्वालिफाई जो कर लिया जाएगा उसको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड में डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, स्टेनोग्राफी एक्सेट्रा, हाँ ये सब होता है सर। इस जूनियर अकाउंटेंट का, अब देखो स्टीनो को उन्होंने बता दिया, जूनियर असिस्टेंट का, अब मेरी बात सुनो, आपको मैं एक चीज समझा दूं कि चलो यार मैं इसमें आपको स्लाइड ऐड किया नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसका भी आपका सिलेबस होता है, वो ज्यादा नहीं यार, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, उसी के बारे में रहता है, वो टाइपिंग वाइपिंग करनी होती है, वो कर ले जाओगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। मेरे को ले लेना चाहिए था इसी वीडियो में, बट मैं वो PDF देना भूल गया। ठीक है, जो आपका मेंस का सिलेबस है फ्री का देख लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ठीक है मेंस का सिलेबस आपका क्या क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हैं बता दूंगा मैं आपको। अब आते हैं इसमें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर फॉर्म कब आएगा, जो आने वाला था बट वो आएगा 10 तारीख को, कुछ कारण होगा भाई साहब। ठीक है, अब आते हैं एक चीज सर, अब आओ सर सिलेबस पर। सर देखो इसका सिलेबस क्या है, ये सब सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस देख के घबरा मत जाना, एक ही चीज को रिपीट किया हुआ है मैंने एक अलग से। मैं तो सोचा था कि अगला अलग वीडियो में ही आपको पूरा बताऊंगा सिलेबस का, बट इसमें मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, मैंने PDF पूरा मैं बना चुका हूँ कि एग्जैक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, एनालॉजी है, ठीक है, ब्लड रिलेशंस है, ये एनालॉजी ये चीज हो गई। अच्छा, ये सिमेंटिक देख के, सिम्बॉलिक देख के घबरा बन जाना, बहुत सिंपल चीज होती है। ठीक है, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्व, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सिंपल चीजें होती हैं, मैं कराया हुआ हूँ, पढ़ाया हुआ हूँ, वही पेपर में आया हुआ है, बिंदास होके जो मैं बताऊंगा करते जाना, चीजें हो जाएंगी। जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, ये देख लो। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इसका मैक्सिमम पोर्शन आता है अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक। ठीक है, मतलब मैथ्स, मैथ्स में क्या क्या भाई साहब, परसेंटेज है, सॉरी होल नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, स्क्वायर रूट्स, एवरेज इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अल्जेब्रिक एंटिटीज ऑफ अल्जेब्रा। ये बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, मतलब ये मत समझना कि पूरा अल्जेब्रा, ये एकदम बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, मतलब बहुत सिंपल वाली चीजें आती हैं, हालांकि उतना पूछता भी नहीं है वो, जो मेन बात है वो बेसिकली उसका पूरा कॉन्सेप्ट रहता है किस पे, आपका अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे। ठीक है, और फिर आता है इंग्लिश वाला पोर्शन, ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है। ठीक है, ये चीजें आपकी इंग्लिश में सब कुछ आ जाता है। मैं डिटेल सिलेबस मैं आई थिंक इसमें मैंने बनाया है क्या, अच्छा चलो ये देख लेता हूँ अभी, ये देखो मैंने बनाया हुआ था बट मैंने इंक्लूड नहीं किया, सोचा था अगले वीडियो की, वीडियो बड़ी हो जाती है ना। मैथ्स में अरिथमेटिक आएगा, DIY नहीं आता है, सिंप्लीफिकेशन आते हैं। ठीक है, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट में रहते हैं, GA में लास्ट 6 महीने करंट अफेयर कर सकते हो, इंग्लिश बहुत ईजी आती है, बहुत टफ नहीं आती। अब GA के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी देख लो, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आप देख सकते हो कि चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर जो मतलब उस टाइम जो अनाउंस किया था रिटायरमेंट अपना, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट,
नेम ऑफ कोरोना वायरस जब उस टाइम आया था, कथकली डांस मतलब ये केरला का डांस कौन सा है, ठीक है, इंदिरा रसोई स्कीम किस स्टेट ने किया लॉन्च, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो मैंने जो जो चीज़ है वो मैंने ले लिया है, ठीक है। फाउंडर ऑफ सतवाना डायनेस्टी, ठीक है, अर्लियर नेम ऑफ साबरमती आश्रम, ठीक है, लोक स्वराज फाउंडेड बाई फंड बाई गांधी ड्यूरिंग किस समय आया था, फाउंडेड बाई किस समय आया था, ठीक है, कैपिटल किसने चेंज किया था दिल्ली टू दौलताबाद, तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, अच्छा परेशान मत होना, सब कहाँ मिलेगी ये सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी ही इस पे एक अलग वीडियो में सिलेबस पैटर्न सब कुछ बताऊंगा आपको कि कैसे क्या क्या आना है और कैसे अपन तैयारी करेंगे इसके लिए, ठीक है, सब कुछ। हाँ, करना क्या होगा भाई साहब, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज कभी बोलता नहीं हूँ कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे से ज्यादा एमबी के बारे में कुछ जानेगा भी नहीं, इतना समझ लो, ठीक है। चाहे तो चैनल उठा के देख लेना पहले से, और ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे हैं यार उसमें, चाहे एनबी हो गया, डीडी हो गया, बहुत से सेलेक्टेड बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, अब बहुत से बच्चे यार मेरे से क्वेश्चन करते हैं सर इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग बेटा इसकी पैन इंडिया होती है, पोस्टिंग इसकी पैन इंडिया होती है, लेकिन मैक्सिमम पोस्टिंग इसकी दिल्ली होती है, मैक्सिमम पोस्टिंग होती है इसकी दिल्ली, ठीक है। कहने के लिए पैन इंडिया है कि दिल्ली हो गई, हैदराबाद हो गया, इसका एक आध दो जगह ब्रांच अगर और हुआ हुआ, बट इसकी मैक्सिमम पोस्टिंग, क्योंकि जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो रिक्रूटेड हैं वो दिल्ली में पोस्टेड है, ठीक है, वो दिल्ली में पोस्टेड है। तो ये वाली चीज़ें हैं, सब सब क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है, तो ये सब चीज़ें हैं देख लो। बाकी जीएसटी किस अमेंडमेंट में आया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, लाहौर डांस कहाँ का है, तो बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबको आपको समझा दूंगा कि एग्जैक्ट इसका क्या सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, मतलब हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। अच्छा, ये इतना देख के रीजनिंग घबरा मत जाना, मैंने पीडीएफ बनाया था, मैं इंक्लूड करना भूल गया, मैंने बहुत अलग अलग उसको बांट दिया था, ठीक है, तो वहां से आप उसको देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, शेयर कहाँ करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जुड़ जाना उससे, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना मेरे से नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, राधे राधे।